नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आदिति शर्मा। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारत के कई हिस्सों में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बर्फबारी का अनुमान। उत्तर और पूर्वी भारत में कुछ जगह बारिश की संभावना, हिमाचल प्रदेश में आज कई जगह गरज के साथ बरस सकते हैं बादल। बंगाल की खाड़ी में चलेंगी करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, समुद्र में जाने से बचे मछुआरे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तापमान के हाल से और सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या स्थिति रही अधिकतम तापमान की पिछले 24 घंटों के दौरान। बात करेंगे हम कश्मीर और लद्दाख की, तो कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं पूर्वी राजस्थान, तो कई जगहों पर पश्चिमी राजस्थान में भी तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया। बरगा में रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जान लिया तापमान का हाल जो है किस प्रकार रहा पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में। न्यूनतम तापमान की खास तौर पर हम बात कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बारिश के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दे देते हैं, बता देते हैं कि आगे आने वाले समय में कैसा रह सकता है बरसात का हाल। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज और कल कई जगह बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में आज कई जगह तो कल कुछ जगहों पर बरसात संभव है। उत्तराखंड में 2 दिन कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं, तो इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज और कल वर्षा की संभावनाएं हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में आज इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरस सकते हैं। बता दें आपको, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही झारखंड और बिहार की बात करते हैं, तो कल कहीं कहीं यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, तो साथ ही उपमाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग जगह वर्षा की संभावना है। असम और मेघालय की बात करें तो कुछ इलाकों में 2 दिन यहाँ भी बारिश हो सकती है, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करेंगे तो कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान यहाँ जताया जा रहा है, और साथ ही केरल के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 2 दिन कुछ जगहों पर बादल बरस सकते हैं। जाना आपने बारिश के पूर्वानुमान के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज और कल कुछ जगहों पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, और अगर बात करें इनकी रफ्तार की तो 10 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। और बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बात करेंगे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो इसी तरह की हवाएं यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही उत्तर के इन राज्यों में तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही साथ बिजली चमकने है। वहीं आपको बता दें, कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही बिहार और झारखंड की बात करेंगे, कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। हाल रहेगा ऐसा ही कुछ दक्षिणी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में भी, कल यहां पर भी कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। साथ ही आपको बता दें, यहां पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, और इन तेज हवाओं को देखते हुए फिलहाल मछुआरों को सलाह है कि वे समुद्र का रुख ना करें। तो जान लिया आपने मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में भी। इसके साथ बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की विस्तृत और ताजा जानकारी लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।